शकुंतला क्या है? जो होना चाहिए वही नहीं हुआ। प्रियंवदा, कभी तो सीधी बोली भी बोला कर। वही सुनना तुम्हारे मन को भाता है तो सुनो। इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारे मन को भाता या तुम्हारे लिए कोई सुयोग्य वर मिलना अत्यंत कठिन है। प्रियंवदा, मैंने तुझसे कब कहा कि मेरे लिए सुयोग्य वर की खोज कर? तुम क्यों कहोगी? और कहोगी तो क्या अपने श्री मुख से कहोगी? हाव भाव से ही कहोगी ना? और कहोगी क्या? तुम तो कह ही रही हो। चल हट, निर्लज्ज कहेगी। अरे ओ हाय रे मेरी लाजवंती, लजाती रहो पर अपने मन के भाव अपनी सखी से कहने में संकोच न करो। प्रियंवदा, यार तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा? होगा तो तुझे प्रेम अथवा विवाह अथवा दोनों। देखो ना शकुन, स्वर्ग की परम सुंदरी व श्रेष्ठ अप्सरा मेनका व श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र की अनुपम और सुंदर कन्या के लिए तो स्वर्ग लोकाधिपति देवराज इंद्र जैसे संपन्न व कामदेव जैसा सुंदर वर ही चाहिए ना। बस बस बहुत हुआ, अब मैं तुझसे बात ही नहीं करती। क्यों? क्यों? क्या मुझसे भी मधुर बात करने वाले की खोज कर ली है तुमने? तो प्रियंवदा, कल वाली बात सुना ही दो। अरे हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। भूलना और भूल करना तो तेरा काम ही है। पता नहीं किसने तेरा नाम प्रियंवदा रख दिया। तेरा नाम तो भूलमवदा होना चाहिए था। ऐसा ही सही, पर कल वाली बात तो मैं कह कर ही रहूंगी। कहूंगी कहूंगी, कब कहेगी तो? अब कह भी डाल। मैया रे मैया, इतनी अधीरता। तो सुन प्रिय शकुंतला, कल तीर्थ यात्रा जाने से पहले महर्षि कण्व गौतमी माता से कह रहे थे कि हमारी प्रेम हमारी लाडली अब विवाह योग्य हो गई है। बाबा ने कहा होगा और गौतमी माँ ने सुना भी होगा, पर तू किसे सुनाने के लिए कह रही है? अपनी प्रिय शकुंतला से, ताकि उसे भी अपना कोई प्रिय मिले। गए हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। उपयुक्त स्थान दिखाई दे तो रथ रोको। महाराज, वो देखिए सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। ठहरने के लिए यह स्थान उत्तम होगा। हाँ हाँ अवश्य, प्यास से कंठ भी सूख रहा है। आश्रम में शुद्ध शीतल जल अवश्य प्राप्त होगा। सारथी, यह आश्रम किसका है? यह तो मैं नहीं जानता महाराज। पहुंचकर जल मांगेंगे तो ज्ञात हो ही जाएगा। शकुन, शकुंतला चली उद्यान की ओर और फिर वहाँ जाकर लताओं से बातें करेगी, फूल पौधों को सहलाएगी और अपने प्रिय वृक्षों को जल पिलाएगी, उन्हें सींचेगी। इसलिए हमारा यहाँ क्या काम? चलो सखियों, हम चलें। सुंदरी, इस त्रिशित को
जल पिलाओगी? ये कैसा आश्रम है सुंदरी, जहां मांगने पर जल नहीं मिलता, त्रिषित की तृष्णा से मुंह मोड़ लिया जाता है? नहीं भद्र पुरुष, नहीं, त्रिषित को यहाँ जल ना मिले ऐसा तो यहाँ नहीं होता। हो तो रहा है देवी। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अपने सुकोमल हाथों से इस त्रिषित को जल पिलाओ। जल पिलाओ देवी। मैं तो वृक्षों को जल पिला रही थी। वृक्षों की तृष्णा को समझकर उन्हें जल पिला रही हो देवी? तो क्या सामने उपस्थित त्रिषित पुरुष की तृष्णा को समझकर उसे जल नहीं पिलाओगी? हाँ, पिलाऊंगी। शकुंतले, इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं जो रथ पर नहीं प्यास के रथ पर सवार होकर मुझे यहां तक ले आया और तुमसे मिला दिया। तुम्हें पाकर मैंने वो सब कुछ पा लिया जो जीवन में पाना मेरे लिए सर्व था, असंभव था। और अब स्थिति यह है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। अब हमें तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। पिता खंडव ऋषि की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी राजन। किंतु वो तो तीर्थ यात्रा पर गए, न जाने कब लौटेंगे। तब तक क्या मुझे तुम्हारे बिना ही रहना होगा? क्यों ना हम शास्त्रों के नियमों का पालन कर लें? शास्त्र के नियम, वे क्या हैं? शास्त्र में विधान है, जब प्रेम पीड़ित नर नारियों के लिए संयम की सीमा में रहना असंभव हो जाए तो तुरंत उन्हें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। गंधर्व विवाह? हाँ शकुंतले, गंधर्व विवाह। ये विवाह शास्त्र और धर्म संगत है। तुम्हारे पालक पिता कण्व ऋषि इसे अवश्य मान्यता देंगे। विश्वास करो मेरी बात पर। जैसी आपकी इच्छा। शकुंतले, शकुंतले क्या सोच रही हो तुम? किस चिंता में डूबी हो तुम? यही कि बाबा जब तीर्थ यात्रा से आएंगे तो। शकुंतले, गंधर्व विवाह के पश्चात अब तुम संपूर्ण रूप से हमारी हो चुकी हो। सारी चिंताएं छोड़ दो, हम सब ठीक कर देंगे। पर मैंने तो इस विवाह के विषय में ना ही अपने सखियों को कुछ बताया है, ना गौतमी माँ को। अब तक तो कोई भी कुछ भी नहीं जानता। जान लेने पर क्या सोचेंगे वे सब? क्या कोई भी नहीं जानता? क्या मैं भी नहीं जानता? मैं तो इस विशेष और महत्वपूर्ण घटना का नायक हूं। नायक अपनी नायिका को
हर चिंता व कष्ट से मुक्त कर देगा। यह मुद्रिका मेरे प्रेम और प्रणय का चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का प्रतीक है। इस मुद्रिका को दिखाकर तुम हमारे गंधर्व विवाह के सत्य को प्रमाणित कर सकती हो। शकुंतले, महाराज, आपके द्वारा भेंट की गई ये अमूल्य मुद्रिका हमारे निश्चल प्रेम और आत्मिक प्रणय का प्रमाण और चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का साकार प्रतीक है, हमारे गंधर्व विवाह की सत्यता का साक्ष्य है। मेरे मन दर्पण में आपकी वही छवि सदैव अंकित रहेगी जब मैं आपसे प्रथम बार मिली थी। सत्य कहूं महाराज, समय भले ही व्यतीत हो गया है, किंतु मुझे तो हर क्षण और हर पल केवल आपका ही सलोना श्रीमुख दिखाई देता है। जब जब मैं आपको पत्र लिखने बैठती हूँ, तब तब मेरी आंखों के सामने मधुर स्मृतियां सजीव हो उठती हैं और उन स्मृतियों में आप और केवल आप ही दिखाई देते हैं। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो
के सम्मुख कैलाश पधारे। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रभु, मैं आपके दर्शनार्थ यहां आया हूं, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दें। क्या हुआ प्रभु? क्या मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हुआ है? क्या आप मुझसे रुष्ट भगवान? दुर्वासा, तुम बार बार भूल जाते हो कि तुम रुद्रावतार हो, हमारे अंश हो, फिर भी अकारण क्रोध करके तुम हमें चकित कर देते हो। तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्षमा भगवन, क्षमा, परंतु क्रोध में अकारण कभी नहीं करता प्रभु। अनीति, अन्याय, अनाचार और अनुचित व्यवहार मुझसे सहन ही नहीं होता प्रभु। और तब मैं से ऊपर उठो दुर्वासा। जो प्राणी मैं और अहंकार से ऊपर नहीं उठता, उसे ये मैं नीचे पटक कर नरक में लटका देता है। किंतु प्रभु, और हम ये भी जानते हैं कि तुम न्याय के पक्षधर हो, किंतु मानवीय भाव दुर्बल होने पर तुम्हारी यही न्याय प्रियता और व्यवस्था अन्य प्राणियों के लिए दुख का कारण भी बन सकती है। और ऋषि का कार्य दुख की नहीं सुख की व्यवस्था करना होता है। मैं आपके शब्दों और मंत्रणा के अनुसार ही आचरण करूंगा भगवान। नहीं, तुम हमें वचन दो कि यदि क्रोध के आवेश में आकर तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो तुम उसका परिमार्जन तुरंत करोगे। अवश्य करूंगा भगवान, अवश्य करूंगा, मैं वचन देता हूं। कहाँ हैं आप? हे आश्रम कन्या, हम तुझसे पूछ रहे हैं, कण्व ऋषि कहाँ हैं? हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना,
अरे निर्बुद्धि कन्या, तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं है, नहीं है तो हो जाएगी। दुष्ट कन्या, तूने हमारी पुकार का उत्तर न देकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कन्या, कि जिसकी स्मृति में खोकर तूने हमारी अवहेलना की है वो तुझे भूल जाएगा। उसकी स्मृति से तेरा नाम, तेरा रूप, तेरा हर चिन्ह मिट जाएगा। किस विचार में खोई हो देवी? घट घट व्यापी अंतर्यामी महादेव भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में विचार कर रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम सती अनसुईया और उनके पुत्रों के विषय में सोच रही हो। स्वामी, सती अनुसुईया और दत्तात्रेय से अधिक मैं दुर्वासा के विषय में विचार कर रही हूँ कि रुद्रावतार होते हुए भी वे लंबे समय से आपके दर्शन करने क्यों नहीं आए। सुनो देवी, अपने उस उग्र स्वभावी रुद्रावतार से हम कभी यहाँ आने की अपेक्षा रखते भी नहीं। वे अपने ही धुन में खोए भ्रमण करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है। श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स्वामी, आप इसे उपहार क्यों कह रहे हैं? दुर्वासा का श्राप उपहार ही होता है देवी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वस्थ बालक के मुंह में डाली गई कटु औषधि माता का उपहार ही होता है। दुर्वासा का श्राप तत्काल दुखदायी होते हुए भी श्रापित व्यक्ति के लिए अंत में कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसीलिए तुम्हें दुर्वासा के श्राप के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। वो रहा महल, महल के निकट पहुँच गए ना। कौन हो तुम? कहाँ चले जा रहे हो? हमें महाराज दुष्यंत से मिलने जाना है। क्यों मिलना है महाराज से? अति आवश्यक है हमारा उनसे मिलना। और तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? हम सब कर्ण ऋषि के आश्रम से आए हैं। ये गौतमी माई है, ये कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला है। आप दोनों कर्ण ऋषि के शिष्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं? नहीं, महाराज की आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करना संभव नहीं है। कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्ञा? आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेदन करते हैं। चलो। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, राजमहल के द्वार पर कुछ आश्रमवासी आए हुए हैं। कौन है ये आश्रमवासी? कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। दो उनके शिष्य हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक वृद्धा गौतमी माई है। शिष्य शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारी आज्ञा है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? सोचते हैं कि आश्रमवासी अचानक हमसे भेंट करने कैसे चले आए। वन व्यवस्था अथवा आश्रम के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, अथवा आप कभी आखेट में गए होंगे तो वन में आश्रम वासियों पर कृपा करके सहायता देने का वचन दे आए होंगे। संभव है उसी उद्देश्य से आए हों। नहीं पुरोहित जी, नहीं, हमने कभी किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया और न ही हम किसी गौतमी और शकुंतला को जानते। महाराज की जय हो। जिन महापराक्रमी
और चक्रवर्ती राजा की जय जयकार संपूर्ण आर्यावर्त में गूंज रही है, वे शकुंतला को नहीं जानते। कण्व ऋषि के आश्रम में आकर आपने जिससे गंधर्व विवाह किया, आप उसको नहीं जानते? आप कहते हैं कि हमने कण्व ऋषि आश्रम में आकर इस स्त्री के साथ गंधर्व विवाह किया है? हाँ महाराज दुष्यंत, आश्रम में रहने वाली शकुंतला की सखियां ही नहीं, आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी इस घटना के साक्षी हैं। आपसे गंधर्व विवाह करने के पश्चात शकुंतला अब गर्भवती हो चुकी है, इसलिए कण्व ऋषि ने निवेदन किया है कि आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जो सत्य है वही कह रही हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं असत्य है, मिथ्या आरोप है। आप हस्तिनापुर के पूर्व वंशी राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हमने तो कभी कण्व आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया, तो फिर इस स्त्री के साथ विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी राज रानी बनने का लोभ इस स्त्री को यहाँ तक खींच लाया है और आप सबको इसने भ्रमित कर दिया। स्वामी, मुझ पर मिथ्या दोषारोपण ना करें। आपने स्वयं कण्व ऋषि के आश्रम में मुझसे प्रणय निवेदन किया था, क्या ये सब आप भूल गए? प्रिया चरित्र के विषय में हमने बहुत कुछ सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक स्त्री असत्य को सत्य कहने से भी ले जाती नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आश्रम से जाते समय शीघ्र लौट कर आने का और मुझे अपने साथ ले जाने का वचन दिया था, क्या आप ये सब भूल गए? क्या आप ये भी भूल गए कि अपने प्रेम के चिन्ह स्वरूप आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी? मुद्रिका? हमने तुम्हें प्रेम चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी, तो कहाँ है वो मुद्रिका? मुद्रिका? कहाँ है मेरी मुद्रिका? कहाँ नहीं होगी मुद्रिका? कण्व ऋषि आश्रम में रहने का ढोंग करने वाली प्रवंचिका, तेरे नाट्य की कथा काल्पनिक है, जिसमें कोई पात्र ही नहीं। जिस मुद्रिका की तुम चर्चा कर रही हो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। हम अपने राज्यसभा में किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि तुम यहां से उसी मार्ग से लौट जाओ जिस मार्ग से आई थी। तुम गर्भवती हो, इसीलिए हम राज्य की ओर से तुम्हें आश्रय देने तथा प्रसूति की सुविधा देने का प्रबंध कर सकते हैं। राजपुरोहित जी, आप प्रसूति तक इस स्त्री की व्यवस्था का दायित्व संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शकुंतले, नहीं। दिव्यांगना मेनका की अनुपस्थिति हो तो ये स्वर्ग लोग सुना सुना लगता है, क्यों देवी शची? हाँ, और आज मेनका की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हर्षोल्लास का वातावरण जाग उठा है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि आप चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। मैं स्वर्गलोक में आया अवश्य हूँ, किंतु आपके पास नहीं। अर्थात? मैं कठोर और पाषाण हृदय माता के पास आया हूँ, उसकी सोई हुई चेतना जगाने के लिए। देवर्षि, आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो जाएगा देवराज, आप धैर्य रखें। दिव्यांगना अनश्वर मेनका, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्न नश्वर चिन्ह वहां क्यों छोड़कर आ गई? मातृत्व जो संपूर्ण जगत में अमृत का सार है, उसे अपमानित करने का अपराध क्यों कर डाला तुमने?
तुम्हारा मानस यदि मातृत्व के भार को नहीं उठा सकता था तो फिर उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी क्या थी मेनका? मातृत्व और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना कक्ष में प्रवेश वर्जित था तो फिर पृथ्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्ति को जागृत करने का कष्ट क्यों किया तुमने? यदि तुम्हें धरती से ऊपर ही रहना था और धरती की भांति जन्म देकर अपनी ही उत्पत्ति को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोच था मेनका, तो फिर तुमने जन्म ही क्यों दिया उस मानव शरीर को, जो तुम्हारे दोष निर्दोष होकर भी श्राप की पीड़ा की भांति भुगत रही है। मेनका, तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रयत्न में अपनी ही पुत्री को क्षय के अंधकार में खाई में क्यों ढकेल दिया? बताओ मेनका, तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है? मेरी विवशता को समझिए देवर्षि। एक बार स्वर्ग लोक लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक और पृथ्वी वासियों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण। स्थान और लोक के परिवर्तन हो जाने से मेनका, लोक भावना, माता और पुत्र के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि ऐसा होता तो जगत से माता, ममता और महानता ये तीनों समाप्त ही हो जाते। कौन बतलाएगा कि क्या दोष था उस निर्दोष शकुंतला का? तुम तो चली आई उसे धरती पर छोड़कर, किंतु तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजों ने उसे अपने पास में दबोच लिया। नवजात शिशु हिंसक पशुओं के बीच घनघोर वन में नितांत अकेला मातृत्व की आशा में अपने हाथ पांव फेंकता रो रो कर करुणा का कल्पांत करता रहा। कल्याण करे विधाता उस कण्व ऋषि का जिन्होंने समय पर वहां पहुंचकर उस नवजात बालिका को शरण दी, तत्पश्चात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। सयानी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पहुंचे उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गंधर्व विवाह भी कर डाला। राजा दुष्यंत तो चले गए परंतु उनके जाने के पश्चात उनकी मधुर स्मृतियों में खोई शकुंतला की झोली में आ गिरा ऋषि दुर्वासा का श्राप। के उसका स्वामी उसे भूल जाएगा। जब स्वामी के पास पहुंची तो श्रापग्रस्त स्थिति की मारी शकुंतला दंग रह गई। ये जानकर कि राजा दुष्यंत उसे भूल चुके हैं, मेनका वो आज घनघोर वन में अपने भावी संतान को जन्म देने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। शकुंतले! मिलाप करने से क्या होगा शकुंतला? जब राजा दुष्यंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे तो फिर तुमने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? हाँ? अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लौट चलो। नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? हाँ? महर्षि कण्व, तुम्हारी करुण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूलें क्षमा कर देंगे। नहीं, अब मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। शकुंतला, तुम अब माँ बनने वाली हो, इधर उधर कब तक, कहाँ तक भटकोगी, कहाँ तक भटकोगी? माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यकता है? चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने आई हूँ पुत्री, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी माता हूँ मेनका। ये समय आश्चर्य और प्रश्न करने का नहीं है शकुंतले, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ पुत्री। Thank you.
ना, महाराजा दुष्यंत के आश्रम में जाना तुझे स्वीकार नहीं था, बाबा के आश्रम में आना भी स्वीकार नहीं है। अब तो तेरा हित इसी में है कि तू अपने माँ के साथ लौट जा। लौट जा बेटा, बाबा को जाकर कहना कि उनके आशीर्वाद से जब मैं संकट से मुक्त हो जाऊंगी तब उनके मैं आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी। चलो पुत्री, चलो मेरे साथ। ऋषिवर मरीचि, मैं आपके शरण में आई हूँ। स्वर्गलोक और देवराज इंद्र को छोड़कर ऋषि की शरण में? हाँ ऋषिवर, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ये विपदा की मारी है तथा गर्भवती भी है। इसके पति महाराज दुष्यंत ने इसके साथ अन्याय किया है, अथवा ये कहें कि दुर्भाग्य प्रबल है। ये विपत्ति से घिरी हुई है ऋषिवर, कृपया मेरी पुत्री को शरण दे। इनका आश्रम में आश्रय लेने के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सहायता करना आश्रम वासियों का कर्तव्य ही नहीं परम धर्म होता है। तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी। मेनका, मेनका, उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपदाओं का अंत हो जाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। शकुंतले पुत्री, अब तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। महाराज की जय हो। कहो प्रधान, आज किसे बंदी बना लाए हो? महाराज, ये एक मछुआरा है, इसने मुद्रिका की चोरी की है, किंतु ये मुद्रिका इसने कहाँ से चुराई ये बता नहीं रहा है। इस बहुमूल्य मुद्रिका को ये बेचने का प्रयास कर रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों नागरिक, प्रधान जी सत्य कह रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है, तनिक भी सत्य नहीं। मैं चोर नहीं हूं महाराज, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो केवल एक मछुआरा हूं जो मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना निर्वाह करता हूं महाराज। तो फिर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? मछली के उधर से महाराज। शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये मुद्रिका मैंने कहीं से चुराई नहीं, मछली का उधर काटने पर मुझे ये मुद्रिका प्राप्त हुई महाराज। मछली ने इसे निगल लिया होगा महाराज। हाँ प्रधान जी। जी महाराज। तनिक मुद्रिका तो दिखाइए। ये लीजिए महाराज। और गर्भवती शकुंतले को तिरस्कृत करने का महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे। सैनिकों, शीघ्र ही कण्व ऋषि आश्रम जाओ और शकुंतले को आदर पूर्वक यहां ले आओ। जी महाराज। महाराज, इसके लिए क्या आज्ञा है?
ये निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, इसने तो हम पर उपकार किया है, इसने तो शकुंतले की स्मृति को लौटाने में हमारी सहायता की है। प्रधान जी, जी महाराज, इसे उचित पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आप मेरे साथ। प्रणाम। शकुंतले, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, वर्षों पश्चात तुम्हें कैलाश में देखकर हमें हर्ष भी हो रहा है और आश्चर्य भी। प्रभु, मैं तो आपके अनेक बार दर्शन करके लौट गया, परंतु आपकी ये दीर्घ समाधि समाप्ति नहीं होती। आज आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारे मन में उभर रहे प्रश्न को हम समझ रहे हैं नारद। तुम्हारे मन में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही। हाँ प्रभु, शकुंतला को दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कब प्राप्त होगी? शकुंतला के विरह व्यथा का शीघ्र ही अंत होगा नारद। उसका पुत्र कुमार अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब जैसे ही हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत, देवसुर संग्राम से विजय होकर लौटेंगे, तभी शकुंतला के सौभाग्य का सूर्य उदित होगा। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। सर्वदमन, मानो हमारी बात। इसके साथी सिंह आ गए तो आक्रमण कर देंगे। आक्रमण क्यों? तुम दोनों इतना शांत हो रहे हो? मैं शांत हूँ और मेरा मुंडा भी तो शांत खड़ा है। हिंसक प्राणी की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। नहीं, यहाँ वनराज पर बैठने में अधिक आनंद आ रहा है। पर तुम बाधा क्यों डाल रही हो? सर्वदमन, समझने का प्रयत्न करो। नहीं नहीं नहीं। कौन है ये प्रतापी बालक? सर्वदमन है ये, देवी शकुंतला का पुत्र। हा? सर्वदमन, कहाँ हो पुत्र? माँ, कहाँ हो? माँ। क्षमा करो देवी शकुंतले, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूं। कहो शकुंतले, भी तुमने मुझे क्षमा किया? पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम कर। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई शकुंतला। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें ये कष्ट और वियोग तो भुगतना ही था। हमारा शाप तो निमित्त मात्र था। ये भी तो सत्य है महर्षि दुर्वासा कि वियोग के कष्ट के पश्चात मिलन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आज से तुम्हारा पुत्र सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा ये आर्यव्रत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपका आशीर्वाद शिरोधारी। कल्याण भव, आयुष्मान भव। चलो शकुंतले।